Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace23. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पंजाब की सियासी रणभूमि में हो रही उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद से ही पंजाब में कांग्रेस पार्टी की स्थिति चरमराई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट टीम के सदस्यों के चयन प्रक्रिया में मुश्किल में दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन के सूत्रधार रहे नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कैबिनेट सदस्यों के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए पार्टी के आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को शुक्रवार को फिर से दिल्ली बुलाया था। नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का ये हाल के दिनों में तीसरा दिल्ली दौरा है। गुरुवार को चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। उनकी बातचीत देर रात 2 बजे तक चली थी। इसके बाद शुक्रवार को सुबह जैसे ही पंजाब के नए मुख्यमंत्री पंजाब वापस लौटे, वैसे ही उन्हें दिल्ली वापस बुला लिया गया। आपको बता दें कि इस पूरी सियासी उठापटक के मध्य में रहे नवजोत सिंह सिद्धू को इन दोनों मीटिंग्स के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के कैबिनेट सदस्यों के कुछ नामों पर अलग अलग विचार हैं। जहां एक तरफ सिद्धू कुछ नामों की वकालत कर रहे हैं, वहीं चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ किया है कि वे उन नामों के सख्त खिलाफ हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को बीते गुरुवार को दिल्ली बुलाया गया था। वहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरीश रावत से मुलाकात की थी। इसी के बाद उन्हें फौरन ही पार्टी लीडर राहुल गांधी से मुलाकात के लिए वापस दिल्ली बुला लिया गया। बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के कैबिनेट सदस्यों के नामों पर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ लीडर सोनिया गांधी की मुहर का अब भी इंतजार है। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने इस्तीफे के बाद से ही बागी रवैया अपनाते हुए पंजाब कांग्रेस में एक अंतर्युद्ध छेड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बढ़ते मतभेदों ने पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये भी समझते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके अपने प्रदेश पार्टी अध्यक्ष और 2022 में आने वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार नवजोत सिंह सिद्धू ही हो सकते हैं। अब तक राजनीति हलकों में ये धारणा है कि सिद्धू सुपर सीएम के रूप में काम कर रहे हैं और चन्नी सिर्फ नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी और चरणजीत सिंह चन्नी के अच्छे समीकरणों को देखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू का यह सपना मुश्किल में पड़ता दिखाई दे रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी इन सभी मुश्किलों के बाद भी पंजाब में सत्ता में आती है तो चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं।